बात पहाड़ी इलाकों की कर लेते हैं। पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। आप केदारनाथ की और गंगोत्री की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ की तस्वीरें भी इसके पहले हम आपको दिखा चुके हैं और साथ ही ये गंगोत्री की तस्वीरें हैं जहां पर ये पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। बद्रीनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा जो इलाका है बर्फ से ढक चुका है और यहां जाने वाले जो रास्ते हैं वो भी, उन पर भी इसका असर पड़ रहा है। केदारनाथ की आप देखिए तस्वीरें, आप वो बेहद खूबसूरत ये बर्फबारी के बीच नजर आता है, लेकिन इस वक्त पूरा बर्फ से, सफेद चादर से ढक चुका है ये पूरा इलाका। हालांकि यहां लोगों को भी अब पहुंचने में दिक्कतें हो रही। कई ऐसे पहाड़ी इलाके जहां पर किसानों में इस बर्फबारी को लेकर खुशी है, तो जो पर्यटक हैं वो भी इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कई लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली से उड़ने वाली जो फ्लाइट्स हैं जो कि पहाड़ी इलाकों पर पहुंचती हैं उनको रद्द करना पड़ा। हालांकि अब अगर मौसम में सुधार आता है तो उन फ्लाइट्स को रिशेड्यूल करके लोगों को सुविधा पहुंचाई जाएगी। और कश्मीर में एवलांच का अलर्ट जारी कर दिया गया है, अगले 24 घंटे में एवलांच का अलर्ट है। लद्दाख में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फ की जो मोटी चादर पहाड़ों पर जमी हुई है वो खिसक रही है, तो अब 24 घंटे के लिए एवलांच का अलर्ट कश्मीर में भी जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटे काफी अहम रहने वाले हैं, लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। लद्दाख में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो रिहायशी इलाके हैं उसके पास जो पहाड़ी इलाके हैं वहां के लोगों को काफी सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है, मोटी मोटी बर्फ की चादर जो है वो सड़कों पर जम चुकी है। ये श्रीनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर भी देखिए कैसे पूरे पहाड़ जम गए हैं। रिहायशी इलाकों में लगातार बर्फबारी, अभी जो स्क्रीन पर आपकी तस्वीर है ये बारामूला की तस्वीर है, देखिए कैसे पेड़ जम गए हैं, बर्फ की चादर जो है लिपटी हुई है सड़क पर, घरों के ऊपर।